तो हे बॉयज एंड गर्ल, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया हो गए एंड अपने अपने घरों में सेफ हो गए। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई धमाकेदार रिव्यू वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देख के समझ में आ ही चुका होगा कि आज हम किस बाइक का रिव्यू करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम रिव्यू करने वाले हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का। काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था इस बाइक का कि कब अपने शहर में आएगी, कब अपने शोरूम पे आएगी, और फाइनली ये आ चुकी है। आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा वेट किया होगा एंड अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे उसमें रूमर्स ही देखने को मिलेंगे, बट ये वीडियो में आपको कोई भी रूमर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको इस बाइक का कंप्लीट रिव्यू देखने को मिलेगा, क्या क्या प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है, कौन कौन से फीचर जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आपको इस बाइक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो शोरूम की ऑल डिटेल आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही होगी, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, यदि एड्रेस पर विजिट भी कर सकते हो। तो चलिए करते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट एंड आपको इस बाइक के बारे में सारी जानकारी देते हैं। सो बॉयज, ये है अपनी बाइक जिसका आज हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं, हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक। सबसे पहले इसके लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो डिज़ाइन में आप देख सकते हो फ्रंट पे आपको जिसका वाइजर है वहाँ पे अब आपको DRL का सपोर्ट मिलता है जो कि LED है। साथ ही जो इसका स्टिकर है वो भी थोड़ा सा साइड में कर दिया गया है। पहले जो स्प्लेंडर आती थी, मतलब जो अभी आ रही है नॉन एक्सटेक मॉडल, उसमें आपको बीच में देखने को मिलता था, बट हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक में आपको जो है साइड में स्टिकर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपको जो है DRL का सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही बात करते हैं इसके हेडलैम्प के बारे में, तो हेडलैम्प आपको सेम मिलता है जैसे आपको हैलोजन हेडलैम्प पुरानी वाली स्प्लेंडर में मिलता था, सेम वैसा ही मिलता है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया है। एंड मुझे ऐसा लगता भी है कि यहाँ पे जो हैलोजन हेडलैम्प हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं कंपैरिजन टू LED, क्योंकि जब मैं बाइक चलाता हूँ LED वाली एंड उसके बाद हैलोजन वाली, तो हैलोजन वाली जो हेडलैम्प होती है उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। साथ ही इसके इंडिकेटर्स भी आपको हैलोजन ही मिलते हैं जैसे पुराने थे, डिज़ाइन उनका वैसा ही है, बस यहाँ पे आपको छोटा सा चेंज देखने को मिलेगा। इसका जो रिफ्लेक्टर आता है ये शीशा जिसको बोल सकते हैं हम, यहाँ पे आपको पहले ऑरेंज कलर का मिलता था बट अब यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का मिलता है। सेम यही इंडिकेटर मेरी स्प्लेंडर प्रो में लगा हुआ है, मतलब स्प्लेंडर प्रो के इंडिकेटर आपको अब जो है स्प्लेंडर एक्सटेक में मिलते हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए जाते हैं, तरफ आपको फाइबर का मडगार्ड दिया जाता है, साथ ही इधर की तरफ भी आपको रिफ्लेक्टर दिए जाते हैं। पहले स्प्लेंडर में यहाँ पे रिफ्लेक्टर नहीं आते थे बट आपको जो है अब रिफ्लेक्टर दिए जाते हैं। टायर सेक्शन सेम मिलता है आपको, 80x100 सेक्शन का टायर मिलता है, ट्यूबलेस टायर देती है कंपनी MRF ब्रांड के। इधर की तरफ आपको बढ़िया सा क्रैश गार्ड दिया जाता है, साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे ब्रांडिंग में तो यहाँ पे आपको पावर स्टार्ट दिया जाता है। इधर की तरफ आपको प्रोग्राम FI का जो है स्टीकर देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको इसके टैंक जो है, यहाँ पे आपको जो है हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है जो कि स्टीकर फॉर्म में दी हुई है। यहाँ पे अगर 3D होता तो थोड़ा और ज्यादा प्रीमियम फील आता। इधर की तरफ आपको स्प्लेंडर प्लस देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है एक्सटेक की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी जो कि इस बाइक की हाईलाइट है। इधर की तरफ आपको एग्जॉस्ट दिया जाता है जहाँ पे आपको क्रोम की शील्ड दी जाती है, नोट भी अभी एक बार आपको सुनाएंगे। साथ ही बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, तो यहाँ पे भी आपको जो है कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है, सेम इंजन दिया जाता है 97cc का एयर कूल BS6 कंप्लाइंट इंजन देती है, प्रोग्राम FI के साथ आता है। साथ ही पावर की बात करें तो क्लोज टू 8 BHP प्रोड्यूस करती है 8000 RPM पर एंड 8.5 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है 6000 RPM पर। बाकी चलाने में कैसा है, रिफाइनमेंट वगैरह कैसा है, ये सारी चीजें हम आपको अभी चला के बताएंगे। इधर की तरफ आपको ऑक्सीजन पाइप मिल जाता है, यहाँ पे आपको कैटलिक कन्वर्टर दिया जाता है जिसपे आपको एक शील्ड दी गई है एंड यहाँ पे भी आपको एक प्रोटेक्टर दिया जाता है क्योंकि जब ये ब्रेक लीवर है ये जो घिस जाता है तो बहुत ही ज्यादा स्किड करता है आपका पैर, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे ये चीज देके काफी अच्छा किया है कंपनी ने। साथ ही इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो इसकी सीट है इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले जो सीट आती थी वो पूरी ब्लैक कलर की आती थी बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है चेंज देखने को मिलेगा, टेक्सचर दिया गया है, यहाँ पे स्टिचिंग दी गई है, दोनों चीजें काफी ज्यादा प्रीमियम है, कुशनिंग भी थोड़ी सॉफ्ट कर दी गई है कंपैरिजन टू जो नॉर्मल स्प्लेंडर आती है। रियर की तरफ आते हैं तो रियर में भी आपको जो है कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलता है, सेम वैसा ही आता है। एंड एक चीज और दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 16/5/2022 है, मतलब 16 मई 2022 है एंड आज है 20 मई जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, हो सकता है कल आपको ये वीडियो देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे आपको जो है रिफ्लेक्टर दिया जाता है, इधर की तरफ आपको प्रोटेक्शन दिए जाते हैं एंड ये भी एसेसरीज का पार्ट है, यहाँ पे एक जो है लग जाएगा तो यहाँ पे आपकी जो लेडीज़ वगैरह हैं वो बैठेंगी तो आपका जो है पैर वगैरह रखने में उनको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। इधर की तरफ आपको बढ़िया सा ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है जो कि क्रोम फिनिश पे है एंड स्टील का है तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता है एंड यहाँ पे आप सामान वगैरह भी रख सकते हो एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है आपके टेल सेक्शन को। एंड यहाँ पे आपको साइड स्टैंड मिलता है जिसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का भी सेंसर देखने को मिलता है। वर्क कैसे करता है एक बार मैं ये भी बता देता हूँ, देख सकते हैं बाइक अपनी ऑन हो चुकी है एंड अभी जो है बाइक जो है न्यूट्रल पे है तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस बाइक देखिए मैंने स्टार्ट कर दी है एंड अभी अपनी जो बाइक है वो न्यूट्रल है एंड जैसे ही मैं गियर शिफ्ट करूंगा ये देख सकते हैं
बाइक जो है अपनी बंद हो चुकी है, एंड क्लच दबा के भी अगर आप सेल्फ करेंगे तो यहाँ पे जो है ये बाइक स्टार्ट नहीं होने वाली है। तो ये काफ़ी सही सेफ्टी फीचर लगता है मुझे, एंड मैं चाहता हूँ कि ये सारी बाइक्स में ऑलमोस्ट आ भी चुका है एंड आ भी रहा है, जिसमें नहीं है उसमें कंपनियाँ ध्यान देके ये सेफ्टी फीचर ला रही हैं। बात करते हैं सीट हाइट के बारे में, तो सीट हाइट भी एकदम सेम रखी गई है, 795 mm की सीट दी जाती है, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है। एंड एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक बड़ा चेंज और किया गया है। अभी तक जो आपको नॉर्मल स्प्लेंडर आती थी उसमें जो मीटर चेंज है, जिसका मतलब मीटर जो कनेक्ट रहता है, वो यहाँ पे एक चेन दी जाती थी, मीटर ड्राइव जिसको बोलते थे, एंड वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती थी। मतलब हर 2-3 महीने में अगर पुरानी हो चुकी है आपकी बाइक, 2-3 साल, तो आपको जो है हर महीने उसको हर सर्विस में चेंज कराना ही पड़ता था, चलते चलते अपने आप ख़राब हो जाती थी। बट यहाँ पर कंपनी ने उसको हटा दिया है, अब इसका जो मीटर है वो आपको यहाँ पर इंजन से देखने को मिलेगा, जो कि सारी बाइक्स में आ रहा है धीरे धीरे। मतलब 100 cc में ये पहली ऐसी बाइक है जिसमें आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वायर दिया हुआ है, जब आप इसका इंजन स्टार्ट करोगे एंड रियर व्हील स्पिन होगा, मतलब जब रियर व्हील चलेगा तभी आपका जो है मीटर चलेगा। अभी एक बार चला के भी दिखाते हैं, पहले मुझे बाइक को जो है डबल स्टैंड पे लगाना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसका जो है प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं, मैंने अपनी बाइक को जो है मेन स्टैंड पे लगा दिया है, एंड अभी जो है हम बाइक को स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद इसका प्रैक्टिकल दिखाते हैं, जिसका रियर व्हील है एंड इसका मीटर जो है वो कैसे कनेक्ट है। तो सबसे पहले देख लीजिए, मैं स्टार्ट कर देता हूँ न्यूट्रल करके बाइक को। तो गाइस देख सकते हैं, अपनी बाइक न्यूट्रल है एंड अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। बाइक गाइस स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो मीटर है वो जीरो शो कर रहा है। अभी जैसे ही मैं गियर शिफ्ट करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो स्पीडोमीटर है वो काम करने लगा है एंड रियर व्हील भी जो है स्पिन हो रहा है। अभी गियर थोड़ा सा रैप करते हैं और आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं जैसे जैसे मैं रैप कर रहा हूँ वैसे वैसे स्पीड जो है इसकी बढ़ती चली जा रही है। तो ये काफ़ी सही चेंज लगा मुझे, क्योंकि अभी तक इसकी हर सर्विस में आपको एक एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट पे करनी पड़ती थी इसके मीटर चेंज के लिए, एंड कभी कभी तो ये सर्विस के बाद भी ख़राब हो जाती थी, जैसे अभी मेरी बाइक की ख़राब हो चुकी है और मैं आलस के मारे उसको चेंज नहीं करा पा रहा हूँ। और होता भी है यार, जब बाइक में कोई छोटा मोटा पार्ट टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो हम यही सोचते हैं यार कि उसको जो है हम सर्विस में ही चेंज कराएंगे। कितने लोग ऐसा करते हैं कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना। इधर की तरफ सेम भी आपको प्रोफाइल दी जाती है, जैसे उधर दी जाती है सेम आपको हीरो का स्टीकर देखने को मिलता है, स्प्लेंडर प्लस का 3D स्टीकर देखने को मिलता है, एक्सटेक का स्टीकर देखने को मिलता है, इधर पावर स्टार्ट, यहाँ पर आपको FI का लोगो, इधर की आपको बढ़िया से क्रैश गार्ड, टू एंड हील शिफ्टर मिल जाता है। एंड एक चेंज और यहाँ पे हो चुका है, पहले जो स्प्लेंडर आती थी उसमें आपको जो ये फुटरेस्ट हैं वो सेम ऐसे ही देखने को मिलते थे, बट अब यहाँ पे जो है गोल दिए गए हैं, मतलब सर्कल में कर दिए गए हैं, जैसे आपको HF डीलक्स में मिलते हैं। तो ये भी एक चेंज अब क्यों किया है कंपनी ने, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। साथ ही बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी आपको 9.6 लीटर का एक मेटल का पूरा बड़ा सा फ्यूल टैंक देती है। फ्यूल टैंक की बात हो रही है तो मैं बता दूं इसका जो माइलेज है वो 70-75 के आसपास निकल के आता है, एंड ये कस्टमर रिव्यू है, क्योंकि जो लोग स्प्लेंडर चला रहे हैं 70-75 का माइलेज उनको आराम से सिटी में मिल जाता है। और ये जो है पिलियन के साथ है और राइडर के साथ है, मतलब अब अगर ट्रिपलिंग करते हो और एकदम रेड लाइन पे चलाते हो तो ऐसा माइलेज आपको नहीं मिलेगा, माइलेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो अगर आप यूजली जो नॉर्मल इसकी स्पीड होती है, इकोनॉमी स्पीड, उस पर चलाते हो तो आपको 70-75 का माइलेज दे देती है हाईवे एंड सिटी में मिला के, तो काफ़ी अच्छा माइलेज निकल के आता है। एंड स्प्लेंडर एंड हीरो HF डीलक्स अपने माइलेज के लिए ही जानी जाती है, इंजन ड्यूरेबिलिटी एंड माइलेज में तो हीरो का कोई भी तोड़ नहीं है। बिल्ड क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश ऑल ओके है, कहीं से भी आपको कोई भी पैनल गैप वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। पेंट की क्वालिटी बहुत ही सही है, हैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम का हैंडल देखने को मिलता है। हैंडल माउंट स्विचेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको सेम देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको जो है लो भी में हाई भी मिल जाता है, इधर टर्न सिग्नल मिल जाता है, यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाता है, सिंगल हॉर्न का सेटअप दिया जाता है, एक बार नोट भी आपको सुना देता हूँ। साथ ही इधर की तरफ आपको जो है I3S का जो है ऑप्शन देखने को मिलता है, ये इसका जो है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको I3S का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। वर्क कैसे करता है ये मैं अभी चलाते वक्त आपको बता दूंगा, ऑलरेडी मैंने अपनी जो पहली वीडियोस बना रखी है उसमें मैंने जो है सब बता रखा है। अगर आपको किसी भी बाइक का रिव्यू देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, बाइक रिव्यू के नाम से आ रहा होगा। साथ ही इधर की तरफ आपको रेड कलर का सेल्फ स्टार्ट कर स्विच देखने को मिलता है। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं, अब बात करते हैं इसके हम सबसे मेन पार्ट के बारे में, जो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसको कंपनी ने पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पहले जहाँ एनालॉग मीटर मिलता था, अब यहाँ पे कंपनी आपको जो है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देती है, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है आपको। सबसे पहले एक बार ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले ऑन करते ही यहाँ पे आपको लिख के आएगा हेलो माई हीरो, मतलब जो बंदा बाइक राइड कर रहा है कंपनी ने उसको हीरो बोला है, तो ये काफ़ी सही चीज़ लगी। फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको ट्रिप ए ट्रिप बी भी मिलता है, इसमें अभी फ्यूल थोड़ा सा कम है जिसकी वजह से वो शो नहीं कर रहा है, बट जब आप इसमें फ्यूल थोड़ा ज़्यादा डलवाएंगे तो आपको वो भी शो करने लगेगा। इधर की तरफ आपको जो है फ्यूल गेज मिल जाता है, यहाँ पे आपको एवरेज पर किलोमीटर मिल जाता है, मतलब जितनी स्पीड में आप बाइक चलाओगे उस स्पीड में आपकी बाइक जो है कितना एवरेज क्लेम कर रही है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाता रहेगा। इधर की तरफ आपको कुछ जो है लाइट्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है,
यहाँ पे आपको लो फ्यूल वार्निंग दी जाती है, यहाँ पे आपको न्यूट्रल की लाइट मिल जाती है, यहाँ पे आपको जो है I3S का भी जो है इंडिकेशन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको जो है इंजन चेक लाइट दी जाती है, इधर की तरफ आपको जो है लो बीम एंड हाई बीम दी जाता है, इधर की तरफ टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको जो है साइड स्टैंड वार्निंग लाइट मिल जाती है। इसको भी एक बार जला के दिखाई देते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं जल चुकी है। साथ ही यहाँ पे आपको जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है, जिसकी मदद से आप अपना फोन जो है बाइक के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और जितने भी आपके कॉल मैसेज अलर्ट्स हैं वो सारी चीजें आपको डिस्प्ले पे आ रही होंगी। एक बार ऑफ करके ऑन करता हूँ तो आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉल मिस कॉल मैसेज सारी चीजें आ रही थी, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। एंड एक चीज जो है वो अभी भी यहाँ पे मिसिंग है, मतलब यहाँ पे कंपनी ने सारी चीजें दे दी हैं मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, बट यहाँ पे उनको क्लॉक भी देनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता, बट कंपनी ने यहाँ पे नहीं दी है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगी, क्योंकि बाइक में आजकल क्लॉक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। ऑल्दो यहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने दी है, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी है, तो आप सारी चीज़ें मोबाइल को जेब में रख के यहाँ पे जो है देख सकते हो, तो यहाँ पे क्लॉक भी दे देते, तो क्योंकि हर बंदा गाड़ी नहीं पहनता, जैसे मैं भी नहीं पहनता हूँ, तो अगर मैं बाइक को चला रहा हूँ तो मुझे बार बार जो है टाइम देखने के लिए फ़ोन नहीं निकालना पड़ेगा, यहाँ पे अगर क्लॉक दे देती कंपनी। इधर की तरफ आपको USB चार्जर भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है एंड काफ़ी यूजफुल भी है, यहाँ पे आप डायरेक्टली अपनी USB लगा के अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। सो गाइज, अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, कि यहाँ पे आपको स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक खरीदने के लिए कितना पैसा जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है कंपैरिजन करें इसके जो पुराने वाले नॉर्मल वेरिएंट से। तो यहाँ पे जो इसका पुराना वाला वेरिएंट था जिसमें आपको I3S का ऑप्शन मिलता था, उसके लिए आपको पे करने पड़ते थे 84,000 ऑन रोड रायबरेली, एंड इसके लिए आपको पे करने पड़ते हैं 88,500 ऑन रोड रायबरेली। तो लगभग 4,500 रुपए का अंतर आता है दोनों बाइक्स के बीच में, एंड मैं कहता हूँ यार ये वर्थ रहेगा, क्योंकि अगर आप जो वेरिएंट ले रहे हो इसमें आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है डिजिटल, साथ ही यहाँ पे जो इसका चेंज वाला पार्ट है वो भी चेंज करके पीछे कर दिया गया है, साथ ही आपको थोड़ा सीट में भी जो है थोड़ा सा देखने को मिलेगा डिफरेंस, तो ये सारी चीजें हैं। एंड यहाँ पे आपको जो है DRL भी मिलते हैं, एंड मेरे लिए कि ये यार वर्थ रहेगा, क्योंकि आपको बढ़िया से फीचर मिलते हैं और काफी ज्यादा पैसा भी आपको नहीं डालना पड़ता है। सो गाइस, फीचर्स तो ऑलमोस्ट इस बाइक के मैंने सारे कवर कर दिए गए हैं, अगर कुछ रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई दूंगा। और अब जो है मैं इसको राइड करने जा रहा हूँ एंड आपके साथ इसका राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं कि चलाने में कैसा फील आता है, सेम वैसा ही या कुछ बदलाव हुए हैं इसमें। तो चलिए करते हैं फटाफट से बाइक को राइड एंड आपको इसका राइडिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। सबसे पहले इसका इनिशियल पिकअप चेक कर लेते हैं, देखते हैं इसमें इनिशियल में कुछ चेंज हुआ है या नहीं। जबरदस्त भाई, मतलब इतना ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। देखो पावर वगैरह तो यार सही है, स्प्लेंडर के हिसाब से बहुत ही सही पावर मिलती है एंड थोड़ा सा पिकअप भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है, लेकिन जो रिफाइनमेंट है ना यार वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। यहाँ पे आपको कहीं से भी कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं मिलते हैं, मतलब इवन आप रेड लाइन पे भी जाते हो तब भी आपको जो है जीरो वाइब्रेशन है, मतलब फुटपेथ पे हल्के हल्के जो फील होते हैं, बट हैंडल बार पे या इसके मिरर्स वगैरह पे तो कहीं से भी आपको कोई भी वाइब्रेशन वगैरह नहीं मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगती है यार। अगर आप इस बाइक को लेते हो डेली यूज़ में तो आप यूज़ ही कर सकते हो नो डाउट, बट इससे अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग रूट जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी और तो सारी चीज़ें यार परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ सेम स्प्लेंडर के जैसा ही मिलता है, एंड स्प्लेंडर तो आप लोगों ने जो है चला ही रखी होगी, बट यहाँ पे जो सबसे मेन चेंज है वो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसको देख के यार अलग ही फील आता है, मतलब अभी तक स्प्लेंडर चलाने में जो मज़ा आता था उससे कहीं ज़्यादा मज़ा आएगा इसको यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप जब देखोगे राइडिंग के दौरान, क्योंकि यहाँ पे जो है क्रोम का पूरा पार्ट दिया गया है और काफ़ी अच्छा प्रीमियम फील देता है। जब मैंने पहले इस बाइक के वीडियोस देखे थे तो मुझे लगा शायद ये कस्टम है इस वजह से जो है लोग डाल रहे हैं, बट मैंने फिर ऑफिशियली देखा इसको जाके तो मुझे लगा कि हाँ सच में इसको जो है चेंज किया गया है। बाकी राइडिंग पोस्चर एंड कंफर्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, पहले से जो है सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल कर दी गई है, कुशनिंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, तो आपको लॉन्ग राइड में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड थोड़ा सा इसको भगाते हैं फिर जो है इसका ब्रेकिंग टेस्ट भी करते हैं कि ब्रेकिंग कैसे मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो टायर हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। पहले जो हीरो यूज़ करता था वो C8 के टायर यूज़ करता था, बट अब जो है यहाँ पे आपको MRF के टायर देखने को मिलते हैं। वाओ, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग है वहाँ पे आपको IBS का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो नए राइडर जो हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सही होने वाला है। वर्क कैसे करता है ये बता देता हूँ। जो जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, मतलब अगर आप फ्रंट की ब्रेक अप्लाई करोगे तो कुछ उसका पार्ट जो है रियर की ब्रेक का ऑटोमेटिकली लगेगा, एंड जब आप रियर की ब्रेक अप्लाई करोगे तो उसका जो कुछ पार्ट जो है फ्रंट की ब्रेक भी अप्लाई करेगी, तो इससे क्या होता है बाइक का बैलेंस बराबर रहता है एंड बाइक कहीं पर स्किड वगैरह नहीं करती है, क्योंकि पहले जो बाइक आती थी उसमें कहीं से भी आपको ये सब सेफ्टी फीचर देखने को नहीं मिलते थे, तो बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा स्किड करने के
चांसेस हुआ करते थे, तो ये चीज़ जो है कंपनी ने काफ़ी ख़त्म कर दी है। सस्पेंशन का फीडबैक के बारे में बात कर लें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, रियर में आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, तो एक आपको अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है, जिससे आप जो है ख़राब सड़कों पर भी बढ़िया राइड कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, झड्ढे अड्ढे बाजार ज़्यादा पता नहीं चलते हैं, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। यहाँ पर आपको USB चार्जर मिल जाता है, तो आप जो है डायरेक्टली अपना फ़ोन यहाँ पर कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हो। एंड अभी जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि इसका जो रियल टाइम माइलेज है वो भी बताती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मैं 53 की स्पीड पे चल रहा हूँ, 50-53 की स्पीड पे, एंड कंपनी का जो मीटर है वो 90 के आसपास माइलेज क्लेम कर रहा है। अब कितना ज़्यादा एक्यूरेट है इसका हम एक बार टेस्ट जरूर करेंगे, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, एंड अगर नहीं कर रखा है तो भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो बॉयज़, ऑलमोस्ट इस बाइक से रिलेटेड मैंने सारी जानकारी कवर कर दी है, बट फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, या मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का हैंडल आपको डिस्प्ले पे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इस बढ़िया सी बाइक के रिव्यू के साथ अब इस बढ़िया से व्लॉग को जो है रैप अप करने का टाइम आ चुका है। होप करता हूं आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे ही धमाकेदार रिव्यूज के वीडियोज, टॉप एंड कंपैरिजन वीडियोज लेके आता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड हार्ड, राइड सेफ।